आइसर प्रो ट्रक क्रैंक नहीं हो रहा है और आपके पास स्कैन टूल नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करें। सबसे पहले बैटरी चेक करेंगे हम, 12 वोल्ट में 12 होना चाहिए, 24 वोल्ट में 24 वोल्ट होना चाहिए। अगर बैटरी डाउन रहेगा तो भी आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो पहला हमें बैटरी चेक कर लेना है, बैटरी सही है और स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम अब दूसरे तरफ चेक। अब हमें बैटरी के पास मैक्सी फ्यूज जो है वो मुझे निकाल लेना है और इसे चेक कर लेते हैं कि ये फ्यूज कटा तो नहीं है बिल्कुल। फ्यूज बॉक्स में 4 नंबर का 15 एम्पियर फ्यूज अब हम चेक कर लेते हैं, ये कट जाने से भी गाड़ी हमारा क्रैंक नहीं होगा। अब हमें रिले के पास देख लेते हैं, रिले में ये 8 नंबर का जो बोल्ट है रेड कलर का वायर होगा ये, इसमें हमारा 24 वोल्ट सप्लाई मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। अगर गाड़ी में एक बैटरी हो तो 12 वोल्ट, गाड़ी में अगर दो बैटरी हो तो हमारा 24 वोल्ट होना चाहिए। ये सब सही तरीके से चेक करने के बाद सब सही है। हम EMS के कपलर के पास ये J1 कपलर को, इसे हमें सही तरीके से खोलना है क्योंकि ये पिन टूटने का डर रहता है और इसकी कपलर डैमेज हो सकता है, तो हम इसे सही तरीके से खोल लेते हैं और यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। 1 नंबर पे हमारा, 3 नंबर पे हमारा और 5 नंबर पे हमारा और 41 नंबर पे हमारा मल्टीमीटर से हम इसे 24 वोल्ट चेक करेंगे। हमारा मल्टीमीटर में 24 वोल्ट का यहाँ पे सप्लाई बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। अगर सप्लाई हमारा यहाँ 24 वोल्ट आ रहा है तो हम अब दूसरी तरफ जाएं। अब हमें यहाँ पे जाना है और चेचिस पे जितनी जगह पे अर्थ है हमारा, चाहे वो गियर बॉक्स के पास हो या फिर बैटरी के पास हो या फिर वाइपर मोटर के पास हो अर्थिंग या फिर हमारा हेडलाइट के पास हो अर्थिंग, वहाँ से जाने के बाद EMS में J2 कपलर 2 पे 4 पे 6 पे और चेचिस के पास, ये सब जगह से हम मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे अर्थ लाइन का। और अर्थ यहाँ पे चेक करेंगे मल्टीमीटर से, डीप साउंड पोजीशन में लाना है मल्टीमीटर को और यहाँ पे अर्थ चेक करने के बाद बीप बजेगा यानी कि सारन बजेगा, अगर ये बज रहा है तो आपका अर्थ सही है। सब सही होने के बाद हमें डैशबोर्ड के पास देख लेना है, VCU कपलर को बाहर कर लेंगे और EMS J2 कपलर को हम बाहर कर लेंगे। 14 नंबर और 15 नंबर पिन EMS का और VCU का 4 नंबर और 5 नंबर यहाँ पे देख लेंगे कॉन्टिन्यूटी, हम मल्टीमीटर से कहीं तार बीच में डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है, कट तो नहीं किया है, जला तो हुआ नहीं है, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है ना। ये सब अगर हमारा सब सही है और पिन वगैरह भी सही है, कोई पिन डैमेज नहीं है तो हम यहाँ पे अब हमें VCU बड़ा वाला ग्रीन का जो कपलर होता है 6 नंबर और इग्निशन का जो सॉकेट होता है उसे खोल लेंगे। ब्लैक कलर का वायर 4 नंबर ब्लैक कलर का वायर और 6 नंबर पे कॉन्टिन्यूटी आना चाहिए। जब हम क्रैंकिंग करते हैं चाबी से तो यहाँ से हमारा 4 नंबर से सप्लाई होके 6 नंबर में जाता है। तो हमें EMS का कपलर खोल लेना है और EMS का कपलर J1 पिन नंबर 81 और स्टार्टर रिले का पिन नंबर 1 पे हमारा ग्राउंड चेक कर लेना है और यहाँ पे हमारा 1 पे 24 वोल्ट आएगा और 8 नंबर और 2 नंबर पे यह हमारा EMS से क्रैंकिंग करते समय ग्राउंड आएगा यानी कि अर्थिंग। तो हमें इसी तरह से चेक करना हो जब हमारा गाड़ी क्रैंक नहीं हो रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।